संगम नगरी प्रयागराज में देश दुनिया का सबसे बड़े धार्मिक आयोजन माघ मेले का होता है। इस वर्ष भी माघ मेला बड़े ही भव्य और दिव्य रूप से मनाया जाएगा। वर्तमान की सरकार ने माघ मेले की तैयारियों को लेकर पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। यहीं पे जिला प्रशासन प्रयागराज भी तैयारियों में जुटा हुआ है। माघ मेले में पीपा पुल बनने का कार्य शुरू हो गया है। इसके साथ संगम में आने वाले श्रद्धालुओं को हर सुविधा मिले इसकी भी तैयारी की जा रही है। माघ मेले का जो तैयारी चल रही है वो मिनी कुंभ के तर्ज में शुरू कर दी गई है, क्योंकि श्रद्धालुओं को रुकने से लेके वहाँ पे हर तरह की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। संगम क्षेत्र में मिट्टी का समतलीकरण का कार्य शुरू है और दिसंबर माह के अंत तक मेला पूरी तरीके से बस जाएगा। तंबुओं की नगरी कहे जाने वाले प्रयागराज में इस वर्ष भी माघ मेले का भव्य आयोजन होने जा रहा है। देश दुनिया से आने वाले भक्त को किसी भी तरीके से आवागमन में दिक्कत ना हो, इसका भी ध्यान दिया जा रहा है। बड़े बड़े पंडाल तंबू लगने शुरू हो गए हैं और मेला क्षेत्र में जेसीबी ट्रैक्टर का घूमना शुरू हो गया है। बिजली के पोल और जल आपूर्ति के लिए विभाग ने पूरी तरीके से खाका तैयार कर लिया है और उनका मानना भी है कि दिसंबर माह के अंत तक और जनवरी माह के शुरुआत में मेला क्षेत्र में पूरी तरीके से बिजली और जल आपूर्ति का कार्य पूरा हो जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को सबसे बड़ी धार्मिक आयोजन कुंभ मेला का होता है और हर वर्ष प्रयागराज संगम नगरी में माघ मेले का भी आयोजन होता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे माघ मेले की तैयारियां जोरों से चालू हो गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिट्टी का संस्थाएं होती है, जो संत महात्मा होते हैं दूर दराज से, वो उनका आगमन भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि माघ मेले का ये जो धार्मिक पर्व है, जो माघ मेला लगता है, इसकी एक अलग परंपरा है। यहाँ पे देश दूर दूर से कल्पवासी आते हैं और जो आस्था की डुबकी लगाने के साथ साथ पूरे माह कल्पवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसके साथ साथ संत महात्मा भी आते हैं जो अपने तंबुओं में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चल रही है। और यहाँ जो माघ मेला होगा, यहाँ पे दूरदराज से सब दर्शकों को हर सुविधा मिले इसका पूरा इंतजाम किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियाँ जोरों से चल रही है। पत्रिका उत्तर प्रदेश से सुमित यादव, प्रयागराज।